आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 4 पॉइंट से कितना हमारा ट्रायंगल बन सकता है, 100 पॉइंट से कितना ट्रायंगल बन सकता है, 3 पॉइंट से कितना ट्रायंगल बन सकता है, तो आज आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा, तो सारा कंसेप्ट आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। और इस तरीके का जो लॉजिक वाला सवाल होता है ना, कोई कोई ऐसा एग्जाम में पूछ देता है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड विथ 100 पॉइंट्स। तो पहले हम आपको ये बात बताते हैं कि हमको 100 पॉइंट है, उसमें से हमको ट्रायंगल बनाना है। तो पहले 100 पॉइंट छोड़ करके हम बेसिक बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा कि ट्रायंगल बनता कितना पॉइंट्स है, सब लोग बोलेंगे कि 3 पॉइंट से ही हमारा क्या बन जाता है, ट्रायंगल बनता है। ये लॉजिक वाली बात है, ये तो सिंपल सी बात है कि 3 पॉइंट से हमारा क्या बन जाता है, ट्रेंगल बन जाता है ना। लेकिन हमसे कोई पूछेगा कि अगर यही 4 पॉइंट रहेगा तो कितना ट्रेंगल बन जाएगा, तो 4 पॉइंट भी रहेगा तो हम लोग शायद आसानी से बता दें, ठीक है, क्योंकि तो एक ट्रेंगल यहां से इस तरीके से मिलाते हैं चारों पॉइंट को, तो मेरा जो हो जाएगा एक ट्रेंगल यहां से बन जाएगा, दूसरा ट्रेंगल यहां से, ठीक है। तो यानी लगभग 4 ट्रेंगल आपका बन के निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके के आप लोग बताएंगे एक ट्रेंगल, इसमें से दूसरा ट्रेंगल, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो रेड वाला हम बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में एक तीसरा ट्रेंगल और यहाँ से यहाँ तक में एक चौथा ट्रेंगल, मतलब 4 ट्रेंगल बन सकता है। कितना लोग ये बोल देंगे तो ये मत बोलिएगा, ये सब ट्रेंगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ट्रेंगल बनाइएगा तो यहाँ पे 5 पॉइंट हो जाएगा, तब वो सब काउंट होगा, ठीक है। 4 पॉइंट से आपका 4 ट्रेंगल बनेगा। लेकिन ये जो अगर मान लेते हैं ये सब तो काउंटेबल है, काउंट हम लोग कर दिए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 10 पॉइंट से हमको बनाओ ट्रेंगल, तो यहाँ पे लफड़ा हो सकता है, यहाँ पे आपका लफड़ा हो जाएगा। 10 पॉइंट लेंगे तो किस तरीके से मतलब ट्रेंगल बनाएंगे, बहुत सारा ये सवाल जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, मतलब कैसे बनाएंगे कोई पता नहीं चलेगा उतना, ठीक है, बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि मान लेते हैं कि हमको 10 पॉइंट से क्या बनाना है, हमको ट्रेंगल बनाना है, कितना ट्रेंगल बन सकता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे पीएनसी, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अगर 10 पॉइंट से ट्रेंगल कोई पूछेगा तो आपको 10C3 बोलना होगा, यही आपका टोटल नंबर ऑफ क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल होगा बाबू, ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल 10 पॉइंट से। अगर आपको 10 पॉइंट से कोई पूछे ट्रेंगल तो कैसे बताएंगे, पहले आपको 10 ऊपर रखना होगा और उसमें से 3 सिलेक्ट करना है। 3 क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि आपका 3 ही पॉइंट तो होता है, ट्रेंगल बनने के लिए हमको कितना मिनिमम पॉइंट चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा अगर आपसे 10 पॉइंट से पूछेगा तो 10C3। अब 10C3 जैसे NCR का सब लोग फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है बाबू, n फैक्टोरियल बट्टा r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये जानते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेगा तो 10 × 9 × 8 आएगा, बट्टा में 1 × 2 × 3 आएगा, ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल आ जाएगा। अब जो मेरा सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि 100 पॉइंट से अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितना ट्रेंगल बनाया जा सकता है, तो अब तो आप लोग जाने गए होंगे कि क्या लिखेंगे, 100C क्या लिखेंगे बाबू, 3 लिखेंगे, और 100C3 को आप लोग सॉल्व करेगा इस फॉर्मूला को लगा करके, तो आपका क्या आ जाएगा, 100 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 100 में से 3 जाएगा तो 97 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1,61,700 ट्रेंगल आपका टोटल आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोग 100 पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ, आपसे कोई पूछा जाएगा कि अगर 100 पॉइंट से कितना ट्रेंगल बनाया जा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कि 1,61,700 ट्रेंगल आपका टोटल बनाया जा सकता है। तो ये काफी आसान, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था और काफी इजी भी ये सवाल था, लेकिन बस यही आपको कॉम्बिनेशन वाला रूल लगाना होगा, एनसीआर का फॉर्मूला, बहुत ही इजिली ये बन जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि 200 पॉइंट से आप कितना ट्रेंगल बना सकते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगल आपसे पूछे तो रेक्टेंगल कितना बनाया जा सकता है, तो 200 से आपका रेक्टेंगल पूछेगा तो 200C4 आपको लिखना होगा, इससे बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 4 पॉइंट से कितना रेक्टेंगल बनाया जा सकता है, तो 1 ही बनाया जा सकता है, ठीक है, 4 से 4 करिएगा, इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करिएगा तो 1 आ जाएगा, और सभी को पता है कि 4 पॉइंट से कितना रेक्टेंगल बनाया जा सकता है, 1 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप बस याद रखिएगा एनसीआर को, कि जितना भी आपको पॉइंट देगा और जितना मिनिमम पॉइंट से बनता है वो ट्रेंगल, वो आपको नीचे लिख देना है, ठीक है, बस आपका हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, कि आप लोग इससे पहले क्वेश्चन का जवाब जानते थे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे।
और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।